अगर आपके गैस बर्नर हो चुके हैं गंदे और कर रहे हैं बर्तनों को काला, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि वीडियो में कुछ भी आपके लिए ज़रा सा यूजफुल रहा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स तरीका आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बर्तन भी दिखाया, ये जो गैस है ना ये बर्तनों को इसी तरह से गंदा और काला कर रहा है, और आप इसका फ्लेम भी देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम हो चुका है, यानी कि ये बर्नर पूरी तरह से हो चुका है गंदा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इनके अंदर कितनी ज़्यादा गंदगी भरी हुई है और इनका कलर भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज मैं इसे बिल्कुल इजी तरीके से क्लीन करके दिखाऊंगी, और वो भी बिल्कुल सस्ते में। तो ये देखिए, अब मैं आपको नज़ीक से भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स इसके अंदर कितनी सारी गंदगी भरी हुई है, और ये भी एक रीज़न है कि हमारे बर्तनों को इसने काला करना स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी स्पेशल क्लीनिंग। तो फ्रेंड्स इसे क्लीन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लूँगी एक छोटा बर्तन जिसमें दोनों बर्नर अच्छी तरह से आ जाएं, ज़्यादा बड़ा बर्तन हमें यहाँ पर यूज नहीं करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी का यूज किया है, और अब मैंने इसमें डाल दिया है वाइट विनेगर। वाइट विनेगर डालने के बाद अब मैंने यहाँ पर ले लिया है डेटॉल लिक्विड, एक ढक्कन भर के डेटॉल मैं इसके अंदर डाल दूंगी। फ्रेंड्स डेटॉल से इसकी क्लीनिंग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, और इसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया यहाँ पर एक चम्मच जितना खाने वाला सोडा। सारी चीज़ें मिलकर कितने अच्छे से रिएक्शन कर रही हैं आप देख ही रहे होंगे, और इसी से हमारी क्लीनिंग होगी। तो फ्रेंड्स पानी का कलर भी स्टार्ट होना हो चुका है स्टार्ट, क्योंकि इसमें रिएक्शन काफ़ी जोरों से हो रखा है। तो इसे तो मैंने भिगोकर छोड़ दिया है, और चलिए अब हम देख लेते हैं अपने गैस को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं गैस के अंदर भी कितनी सारी गंदगी भरी हुई है, इसकी वजह से ही हमारे गैस का फ्लेम लो होता है और बर्तन भी काले होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ तो कितनी बुरी तरह इनके अंदर गंदगी भरी हुई है, इसे भी हम क्लीन करेंगे। ये भी एक रीज़न होता है फ्रेंड्स हमारे जो गैस का लो फ्लेम होता है ना उसका। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक लोहे वाला ब्रश यूज किया है, अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आप सादे ब्रश का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि इसके अंदर जो गंदगी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होती है, और बहुत ही उसे क्लीन करने में दिक्कत होती है। तो ये देखिए इस तरह से मैं ब्रश से रगड़ते हुए इसे क्लीन कर लूँगी, और क्लीन करने के बाद इससे काफ़ी सारा कचरा भी निकलेगा फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए इसी तरह से मैं दूसरा वाला जो इसका स्टोव है ना उसे भी क्लीन करके दिखाऊंगी, ये तो और भी ज़्यादा गंदा था। फ्रेंड्स जैसे हम घर पर चाय दूध वगैरह बनाते हैं ना, तो वो कभी कभी होता ऐसा है कि वो उफन जाते हैं और वह इस तरह से गैस स्टोव के अंदर भर जाते हैं। तो फ्रेंड्स बाहर से तो हम गैस को क्लीन कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर की ये गंदगी जो है ना धीरे धीरे करके जमा होती रहती है। तो ये देखिए अब मैंने इसे ब्रश से रगड़ के कर लिया है साफ, और अब मैं आपको झाड़ के दिखाऊंगी कितनी सारी गंदगी इसके अंदर से निकली है। तो ये देखिए अब मैंने इसे झाड़ लिया है, और झाड़ने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि इसके अंदर से कितनी सारी गंदगी निकली है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सारी गंदगी गैस स्टोव के अंदर से निकली है, इसीलिए भी हमारे गैस का फ्लेम लो चलता है। और अब देखिए फ्रेंड्स लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इस गैस ये जो गैस बर्नर है ना इनकी कर लूँगी क्लीनिंग। ये जो सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड की थी ना उनकी वजह से इसका मैल और गंदगी जो है ना पूरी तरह से फूल चुकी है। तो पहले मैंने यहाँ पर इसी ब्रश का यूज किया, और इस ब्रश का यूज मैंने यहाँ पर इसलिए किया ताकि ये जो गैस बर्नर के छेद होते हैं ना वो पूरी तरह से खुल जाएं, क्योंकि गंदगी की वजह से आधे छेद इसके अंदर जो थे ना वो बंद थे, तो वो भी खुल जाएंगे। लेकिन इस काम को आप थोड़े से ध्यान से करें अगर आप लोहे वाले ब्रश का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्रश है ना ये हाथ वगैरह में भी लग सकता है। मैंने काफ़ी ध्यान से इस काम को किया था फ्रेंड्स। तो ये देखिए अब मैंने इसे ब्रश से तो क्लीन कर लिया है, और मैंने यहाँ पर स्टील वाला स्क्रबर ले लिया है, उसमें मैंने लगा लिया था बर्तन धोने वाला साबुन, और इस तरह से अंदर बाहर दोनों जगह से मैं इसे क्लीन करती जाऊँगी फ्रेंड्स। ये देखिए बिल्कुल हमें इसे एकदम क्लीन करना है ताकि हमारे बर्नर भी क्लीन हो जाएं, हमारे गैस के फ्लेम का लो भी प्रॉपर चले, और हमारे बर्तन भी काले ना हो। तो ये देखिए इस तरह से मैं अच्छी तरह से इसे क्लीन कर लूँगी, बिल्कुल आसानी से साफ हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड की है ना उनकी वजह से इसका मैल गंदगी सब कुछ पूरी तरह से फूल चुका है। ये देखिए अच्छी तरह से मैं दोनों बर्नर की क्लीनिंग कर लूँगी, और
इस तरीके से आपके गैस बर्नर की प्रॉपर क्लीनिंग हो जाएगी, आपको इस आपका इसमें कोई खर्चा भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें तो हमारे घर में हमेशा ही अवेलेबल रहती हैं फ्रेंड्स। और अब मैंने यहाँ पर ले लिया है गर्म पानी। फ्रेंड्स अभी भी एक कमी है, क्योंकि इनके अंदर कुछ चिकनाई और गंदगी ऐसी है जो कि स्क्रबर से भी क्लीन नहीं होगी, तो उसे उसके लिए हम इसे गर्म पानी में डिप कर देंगे तो वो पूरी तरह से फूल कर साफ हो जाएगी। फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर हमें बिल्कुल भी रगड़ना घिसना नहीं है, जो क्लीनिंग हमने हमें करनी थी ना वो हम कर चुके हैं। और अब मैं आपको इन्हें बाहर भी निकाल के दिखाऊंगी, तो इनके अंदर जितनी भी गंदगी और मैल है ना सब पूरी तरह से फूल चुका है। आप चाहे तो यहाँ पर एक बार फिर से भी स्क्रबर का यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे बर्नर हो चुके थे पूरी तरह से साफ। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।